सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो पूर्ण गुरु होते हैं वो समाज को सब कुछ बताते हैं। हम पूर्ण गुरु नहीं हैं। पूर्ण गुरु को पता है कि व्यक्ति को क्या क्या चाहिए। तो हमारे पूर्ण गुरुओं ने कहा, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। मोक्ष को गुरुओं ने, वेद ने, शास्त्रों ने अंतिम पुरुषार्थ कहा, आखिरी, पहला नहीं। मनुष्य की अंतिम और आखिरी जो होनी ही चाहिए वो है मोक्ष की इच्छा। पर और भी इच्छाएं होती हैं, शरीर है, भूख है, लगती है। भले आपकी अज्ञानता से आपको शरीर मिला हो, पर यदि शरीर मिल गया है तो भोजन चाहिए, शरीर मिल गया है तो कपड़ा चाहिए। ऐसा कोई भी अभी हमें नहीं मिला कि जिसके पास शरीर हो, भोजन नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, कहीं रहने की जगह नहीं चाहिए। तो इच्छाओं की, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी धर्म पालन करना चाहिए। धर्म पूर्वक धन कमाओ, धर्म पूर्वक काम का सेवन करो, धर्म पूर्वक मान प्राप्त करो। छल से, दंभ से मान नहीं। अच्छा काम करोगे मान मिलेगा। फिर आप कहते हो कि इसका खंडन क्यों करते हैं, निर्माण क्यों, लोभ क्यों नहीं, शरीर का अभिमान क्यों नहीं। पहले कहेंगे तुम क्षत्रित्व का अभिमान करो, ब्राह्मणत्व का अभिमान करो, वैश्यता का अभिमान करो और वैसे बनो, साधु बनो, साधुता का, संन्यास का अहंकार करो, उसके अनुसार चलो, शिष्य बनो, उसके अनुसार चलो, पति पत्नी बनो और उसके अनुसार चलो, धर्म का पालन करो। अर्थ और काम, इन दोनों में धर्म का ख्याल रखते हुए अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं की पूर्ति करो, प्रेय। लेकिन कुछ भी प्राप्त कर लो, नाम भी हो जाएगा, सुख भी मिलेगा, स्वस्थ शरीर भी होगा, पर अंतिम जो दुख है मृत्यु का वो होगा। उस मृत्यु के दुख को हटाने के लिए एक सिद्धांत ये भी है कि तुम मरोगे नहीं, देह छोड़ोगे। मरता कौन है, देह में आता कौन है, देह से जाता कौन है, हर चीज को समझो। अभी आप खिचड़ी पका रहे हैं, खिचड़ी, आत्मा
जीव देह सब मिलजुल गए हैं। इन सबको मिला के आप मैं कहते हैं। आप कोई विश्लेषण करके मैं नहीं कहते। अक्सर जैसे मैं बताता हूं कि धान शब्द जब बोलते हैं, धान छिलके को धान बोलते हैं, जो ऊपर से निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो निकाल कर फेंक देते हो उसको कुछ बोलते होगे ना, हाँ भूसी तुड़ी छिलका कुछ कहो, उसे धान नहीं बोलते। और जो भीतर भरा होता है, जो निकालते हैं छिलका निकाल कर, उसको क्या बोलते हैं, चावल बोलते हैं। देखो नाम मात्र से बड़ा फर्क है। धान ले आओ इसका अलग अर्थ होगा, भूसी ले आओ इसका अलग अर्थ होगा, आजकल वो भी बिकती है। धान मिलों में जाइए ढेर लगा पहाड़ जैसा, वो भी बिकता है, उससे भी कुछ और निकालते हैं, सब चीज काम की है। चावल नाम और का है, भूसी नाम और का है, धान नाम और का है, धान नाम दोनों के मिली हुई अवस्था का है। ये मैं जो मनुष्य है ना, ये मैं अभी धान की तरह मिला जुला है। इसमें देह भी है, इसमें आत्मा ब्रह्म भी है। जब हम अलग करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो मैं देह नहीं हूं। और एक बार जो देह नहीं हूं स्पष्ट हो जाता है, फिर देह नहीं बन सकता। पहले भी बताया, धान में से छिलका अलग कर दो, चावल अलग कर लो, फिर चावल को ना अभी तुम धान बना सकते हो, न जमीन में डालकर दोबारा धान बना सकते हो। धान जन्म से होता है, धान जो है बीच में नहीं होता, बीच में चावल होता है, चावल बाद में होता है। अंधेर है, कबीर साहब ने कहा है, पहले बाबा हुआ, नहीं बाबा तो सब जगह पहले होते, कहते पहले नाती फिर पिता, बाद में बाबा, बाद में सबसे बाद में बाबा पैदा हुआ। इसी तरह से यहां भी देखिए, चावल बाद में हुआ, पहले वो धान था, और धान का बाप चावल था। चावल धान का बाप नहीं है, धान का बाप धान। जो चावल हो गया धान नहीं हो सकता। देह से ही ये मिले जुले से सब पैदा होते हैं। इसलिए पहले ये सिखाया जाएगा कि तुम देह हो, तुम फला के पुत्र हो, तुम्हारा ये दायित्व है। ये गुरु ही सिखाते हैं। अब देखो, जानवरों को ये नहीं सिखाते, क्योंकि जानवरों को और कुछ नहीं सिखाना, इन्हें सिखाना है कि ये तुम्हारे पिता हैं, इनकी तुम्हें वृद्धावस्था में सेवा करनी है, ये तुम्हारा पुत्र है, इसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना है। जानवरों में ऐसा कुछ नहीं, स्वाभाविक पालन हो जाता है, पालते हैं जानवर भी, पालते हैं, छोटे में ख्याल रखते हैं,
फिर इसका क्या होगा, राजा बनेगा कि महाराजा बनेगा, कि कहाँ जाएगा, कि क्या होगा, किससे शादी करेगा, वो नेचर से सब होता रहता है। मनुष्य को सिखाने के लिए धर्म है, धर्म गुरु है। मोक्ष ही नहीं और भी कुछ सिखाया जाता है, इसलिए मैंने आज कह दिया कि हम पूरे गुरु नहीं है, या यूं समझो हमने सिर्फ एक विषय ही प्रतिपादन के लिए मुख्य रूप में चुना है। पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या है, पिता का क्या है, ब्राह्मण का क्या है, क्षत्रिय का क्या है, वैश्य का क्या है, शूद्र का क्या है, ये सब अलग अलग कर्तव्यों का वर्णन है। इनका भी पालन करोगे तो बहुत लाभ होगा, पर ये मेरा प्रतिपाद्य विषय नहीं है। आवश्यक है पर मैं इसको नहीं चुना, मैंने ये बोलने का विषय नहीं बनाया। मैं चूंकि मुमुक्षु था, मोक्ष मेरी प्रबल इच्छा थी, इसलिए मुझे उसमें ही शांति मिली, वही मुझे जीवन का लक्ष्य लगा। इसलिए तुम्हें चाहिए या न चाहिए, मैं तुमको देखता ही नहीं हूं, कई के काम की बात नहीं है मेरी। ये आपको जो बड़े श्रद्धावान है समझते होंगे, स्वामी जी विनम्रता से कह रहे। ना, विनम्रता से नहीं कह रहा, सच्चाई कह रहा हूं। मैं देखता ही नहीं हूं तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें चाहिए लड़का, मैं बता रहा हूं ब्रह्म। तुम्हें चाहिए स्वास्थ्य, मैं कहता हूं तुम आत्मा अविनाशी हो। तुम्हारी लड़का लड़की की शादी अटकी है, तुम मेरे पास आते हो, मैं ब्रह्म ही थोपता हूं। ऐसा पहले भी हुआ है, सदा से होता आया है, क्योंकि जिसको जिसकी जरूरत है वो उसी के लिए मंदिर जाता है। मंदिर सब पत्नी मांगने जाते हैं, झूठ नहीं बोलना, नहीं। कई पत्नी वाले हैं धन मांगने जाते हैं, कई धन वाले पत्नी मांगने जाते हैं, कई पत्नी मांगे हैं अब कहते हैं इसकी अकल ठीक हो जाए इसके लिए जाते हैं। आवश्यकता बदलती है, मांग मंदिर में जाके रिक्वेस्ट करते हो, कई पहले ही आशीर्वाद मांगते हैं कि शादी होने वाली है आप आशीर्वाद दो अच्छी हो जाए। ये अर्थात संसार में बहुत आवश्यकताएं हैं और उनकी पूर्ति करना चाहिए, पर हमारी दृष्टि से किसी को लड़का ना हो तो क्यों पागल हो। यूं तो जिनके नहीं होते उधार लेते हैं, गोद लेते हैं, जिनके मां मर जाती है या मां अच्छी नहीं होती वो अच्छी मां बनाते हैं, धर्म मां बनाते हैं, धर्म पिता बनाते हैं, क्योंकि उसका भी एक सुख मिलता है, अपना बना के सुख मिलता है। पहले साधु महात्मा चूंकि भोजन चाहिए तो भिक्षा लेके खा लेते थे, आश्रम नहीं बनाते थे, रोटी नहीं बनाते थे, इतनी झंझट नहीं करते थे, भगवान न करे किसी को मांग के खाना पड़े। मांग के खाना बुरा है ना, साधु तो मांग के ही खाते थे। रिवाज बदला, अभी हमारे देखते देखते समय बदल गया। नारायण हरि करके बौद्ध लोग भिक्षा करते थे, सन्यासी भिक्षा करते थे, ट्रेनों में बिना टिकट चलते थे भले लोग। अब तो वो चलते हैं जिनके पास समय ही नहीं है, भले लोग बिना टिकट चलते नहीं।
और बसों वाले साधु को देख देते थे तो प्राइवेट बसों वाले बस रोक के बिठा लेते थे। वो जानते थे कि ये पैसा नहीं रखते, साधु लोग हैं, बेचारे कहाँ जाएंगे, बिठा लेते थे। मैं इसलिए कहता हूं कि गुजारा तो मांग के होता है, इसका प्रचार नहीं करना चाहिए, नहीं सब मांग के खाओगे तो देगा कौन। अच्छा, सब लोग बाबा बन जाएं, मांग के खाने का मन बना ले तो दिल्ली में देगा कौन। इसलिए मांग के खाने का हक साधु को होता था। साधु कौन? जो अपने पास जेब में, जेब ही नहीं रखते थे इसलिए पहले गांठ में बांधते थे, और जो गांठ में भी पैसा नहीं बांधता था ऐसे साधु होते थे। अब बहुत धन होता है, आवश्यकता है, पर आवश्यकता कितनी बढ़ाते चले जाओ। आवश्यकता का धन जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, पर जरूरत बढ़ती जाए तो उसकी पूर्ति नहीं होती, शांति नहीं होती। इसलिए मैं ये विषय उठाता हूं कि देखो, रोटी की, कपड़े की, मकान की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, पर मैं उनकी तरफ ध्यान देता हूं जिनके पास ये सब है, जिनके हजारों लोग नौकर हैं। आप कार खरीदते हैं, कई के यहां कारें बनती हैं, नहीं? वो बड़े हैं हमसे, आपसे बड़े हैं, इसमें दो राय नहीं, निंदा नहीं करते, पर शांति, निर्भयता। धनी को मुक्ति मिलती है जरूरी नहीं। इसीलिए जब याज्ञवल्क घर छोड़ने लगे, वैराग्य हुआ, उनको ये भी लगा कि इतनी उम्र हो गई। मैं बातें पढ़ता हूं पर वैराग्य नहीं होता, आदमी विचार करता है। विचार करना ही चाहिए कि हम कहते हैं हमारे जीवन में क्या है, क्या हम झूठे नहीं हैं? तो जब वैराग्य हुआ, उनके दो पत्नियां थी, अब तो दो पत्नियों के लिए लोगों को धर्म बदलना पड़ता, बड़ा बाबेला मचा है। तुम प्रेम से शादी की है, मना थोड़ी करते हैं, पर प्रेम से की है तो कर लेते, कुछ मजहब बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? उसकी विचारों की क्या गलती है? पर इस देश में हिंदू के लिए जरा छूट नहीं है। अब अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, इससे ज्यादा बेईमानी की कोई बात नहीं हो सकती। यदि कोई कहे हिंदू को मना है, क्यों मना है? दशरथ के कितना थी, याज्ञवल्क के कितनी थी, गुरु गोविंद सिंह के कितनी थी? ऐसे भी हिंदू हुए हैं जिन्होंने दूसरी पत्नी नहीं की, उसमें प्रभु राम है। पर ऐसे भी हुए हैं राजा जो रखते आए हैं। राजाओं के पास काफी धन होता था, सुविधा होती थी, सभी लोग उनको अपनी लड़कियां देने को भी तैयार रहते थे कि हमारी बेटियां सुखी रहेंगी, तो करते आए हैं। पर आप लोग भी किसी ना किसी पार्टी के ही होंगे, ये तुमको कभी बेवकूफी समझ नहीं आती इस देश के राजनीतिज्ञों की?
माने शादी करना हो तो और धर्म में जाओ, आतंक फैलाना हो तो और धर्म में जाओ, देश के संविधान को नकारना हो तो और कहीं जाओ। हिंदू रहने में बंधन है, इसलिए गैर हिंदू हो जाओ झूठ है। इसलिए यहाँ हिंदू भी कोर्ट में कहते हैं कि हमको, हम हिंदू नहीं है। यहाँ बहुत धर्म हिंदुओं के ही हिस्से ये कोर्ट जा चुके हैं, रामकृष्ण मिशन जा चुका है, आर्य समाज जा चुका है कि हम हिंदू नहीं है। क्यों जा चुके हैं? हिंदू नहीं है, हैं, पर छूट के लिए। इस देश में हिंदू को और कुछ बनने में बड़ी सुविधा है, नुकसान है हिंदू बनने में। मेरी चले तो हिंदू विरोधी राजनीति को एक बार में खत्म कर दूं। पर तुम भोंदू हो, कभी किसी बात में कभी किसी बात में फिसल जाते हो। मैं राजनीतिक नहीं हूं, चिंतक हूं। यदि मैं तुम्हारे व्यवहारिक जीवन की बात करता हूं तो मुझे इस राष्ट्र की भी बात करने की आवश्यकता मालूम पड़ती है। सोचिए हम कहां जीते हैं, क्या करते हैं, और हम अपने को बुद्धिमान मानते हैं पर हमें राजनीतिक लोग बुद्धू बनाते हैं। तो पहली बात कि आप के पास एक देह है, ये किसी का बेटा है, ये किसी का बाप है, इसका कोई घर है, इसका कोई देश है, इसकी कोई संस्कृति है, उसको समझो। पर देह सदा नहीं रहेगा, जीव इसके बाद रहेगा। कई बार वेदांत सुनकर लोग ये भी चक्कर में पड़ते हैं, फिर जन्म किसका होता है? देह में जो आता है, देह को जो छोड़ता है, उसका नाम जीव है। जो सुबह जगता है, देह में आकर देह के माध्यम से कर्म करता है, जब वो सो जाता है तो देह कर्म नहीं करता, पर प्राण रहने के कारण जीवित बना रहता है। तुम सोए रहो तब भी श्वास चलती है, रक्त संचार होता है, जीवन बना रहता है, शरीर सुरक्षित रहता है। शरीर को सुरक्षित रखता है प्राण, और जीव आकर इंद्रियों से कर्म करता है। जब सो जाता है तो इंद्रिय जन्य कर्म खत्म हो जाते हैं, आंखें नहीं काम करती, कान नहीं काम करते, कर्म इंद्रियां नहीं काम करती, केवल प्राण शरीर में रक्त संचार करता रहता है, शरीर सुरक्षित रहता है, और जीव या अंतःकरण सो जाता है। जो जगता है वही सोता है, देह नहीं जगता। जैसे मकान में मकान के रहने वाले जगते हैं, काम करते हैं, रोटियां बनाते हैं, खाते हैं, और सब खिड़कियों का, कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और सो जाते हैं। मकान कभी नहीं सोता, मकान वाला सो जाता है, और जगता कौन है? मकान। जो सोता है वही जगता है, ये ध्यान रखना गणित। जिसको नींद आती है वही जागता है, जो जागता है उसी को नींद आती है। न देह जागता है न देह सोता है। जीव जब जागता है तो स्थूल देह में आता है, जब आधा सोता है अर्ध निंद्रित, तब इंद्रियों से संबंध छोड़ देता है देह से, पर बुद्धि द्वारा एक स्वप्नावस्था में रहता है वही जीव, और वही सुषुप्ति में गहरी नींद में जाता है, और वही देह छोड़कर दूसरे देह में जाता है।
ये कब तक जाएगा? देखो, न चाहने पर भी सुबह तुम्हें जगकर देह में आना पड़ेगा, और नहीं मैं तुम्हें कसम दिलाता हूं कल से देह में नहीं आना। तुम्हारी सौगंध तो नहीं, मेरी सौगंध, नहीं आओगे। तुम चाहो तब भी नहीं रुकोगे। अच्छा, तुम आज जाके सोना कई दिन तक, सदा के लिए नहीं कहूंगा, बुरा लगेगा। जरा सम्मेलन भर, तीन दिन बाकी है, तीनों दिन सोए रहना, जगना नहीं। नींद तुम्हारे हाथ में खुलेगी नहीं, खुल जाएगी। ये जगना सोना जैसे एक यंत्र का काम है, जैसे इस शरीर का क्या काम है, जन्मना और उतना ही बना रहना। बोलो, मुझे उल्टा सुल्टा बोलता हूं या चूक जाता हूं, मुझे पता नहीं सही से। शरीर जब जन्मा था इतना ही था ना, तुम तो इतने ही बड़े ही पैदा हुए ना। अच्छा, छोटे थे तो तुमने बड़े होने के लिए क्या किया, बढ़ गए। अब ढाल पे शुरुआत हो गई, बुढ़ापा शुरू हुआ, तुम चाहते हो जाएगा। अब आपको ये लगता है कि जब हम इसको नहीं रोक सकते, जगना सोना नहीं रोक सकते, तब आपको ये है जन्म मरण कैसे रोक सकते, ये आपको भ्रम है। पर हम बताएं, जन्म मरण तुम बंद कर सकते हो, पर जन्म लेने के बाद जगना सोना बंद नहीं कर सकते। जन्म लेकर के देह में आकर इस शरीर के परिवर्तन को नहीं रोक सकते, पर शरीर में आना आप बंद कर सकते हो। पर जन्म लेकर रोज आना जाना बंद नहीं कर सकते, पर देह में आना, हाँ देखो, धान होकर उगना बंद नहीं कर सकते। अब कोई कहे इतने दिन से उगते आए हैं, अब कैसे बंद हो जाएगा? हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा तो फिर तुम जन्म नहीं ले सकते। दूसरी बात भी है, जैसे अभी तुम शरीर के परिवर्तन को रोक नहीं सकते, यंत्रारूढ़ानि मायाया, यंत्रारूढ़ की तरह जैसे राहट में बैठे बच्चे घूमते हैं, ऐसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तुम इस जीवन में बंद नहीं कर सकते। नहीं कोई साधु है बंद करके दिखाए, नाम नहीं लेता पड़ोसियों का, बंद करके दिखाए यदि इनका हक है। शरीर पर ही नहीं, तुम्हारा अधिकार शरीर पर तो है ही नहीं कि इसके परिवर्तन को रोको। अंतःकरण में भी अधिकार नहीं कि जगना बंद कर दो या सोना बंद कर दो, नहीं है। फिर क्या करना है? जैसे शरीर का एक धर्म है, ऐसे सूक्ष्म शरीर अंतःकरण बुद्धि का भी एक धर्म है, जगने सोने का। ऐसे ही इसके पीछे रहने वाले जीव का नहीं, क्योंकि द्वासु पर्णा सयुजा सकाया, जीव का नहीं, ये तो आभास मात्र है, अंतःकरण है, जागेगा सोएगा, परिवर्तन होगा। जागेगा तो देह भान होने लगेगा। आपको गहरी नींद में देह का भान होता है? पंडितों को होता होगा। गहरी नींद में स्थूल देह का भान, बोलो, नहीं होता। और गहरी नींद में कोई दुख नहीं होता। पापियों को तो होता होगा, पापियों को पाप के कारण देर में नींद आए, ये हो सकता है। चिंता के कारण तुरंत नींद ना आए, एक आध दिन ना आए, ये हो सकता है। पर गहरी नींद में चिंता आ जाए, ये नहीं हो सकता, असंभव है। तो साधु को भी चिंता नहीं होती नींद में, इसमें क्या आश्चर्य?
पर जो जीव जग कर देह को मैं मानता है, जीव धर्म अहमित अभिमाना, जीव का ये धर्म है कि देह को मैं हूं ऐसा अभिमान करे। जीव कौन? जो अपने को जगने सोने वाला मानता है, अजग कर देह को मैं मानता है, सोने पर देह को भूल जाता है और इन्हीं तीन अवस्थाओं में घूमता रहता है, अपने साक्षी परमात्मा आत्मा को जिसके कारण सब जीव हैं, उस जीव साक्षी को, उस जीव के अधिष्ठान को, उस परम प्रभु परमात्मा को या जीव अपने पिता को, हमारे पुत्र समान होते हैं। देखो, हम सबके पुत्र समान होते हैं। समान माने जैसे स्वभाव वाले तुम हो तैसे पुत्र होते हैं। तुम जन्मने मरने वाले हो, लगभग पशुओं से ज्यादा आयु वाले हो, तो तुम्हारे पुत्र भी पशुओं से ज्यादा आयु वाले होते हैं। एक आध की बात छोड़ो, तुम मनुष्य हो तो तुम्हारे पुत्र मनुष्य होते हैं। भगवान ब्रह्म है और उनसे पैदा जीव होते हैं। ब्रह्म से ब्रह्म पैदा हो ही नहीं सकता, नहीं तो ब्रह्मों का बाजार हो जाएगा। ब्रह्म से ब्रह्म पैदा ही नहीं हो सकता। देखो, नासी से नासी पैदा होता है, ये समझ में आता है, पर अविनाशी से अविनाशी पैदा नहीं होता। अविनाशी से जो पैदा होगा वो नाशी। और बताऊं, व्यापक से यदि पैदा होगा तो सीमित, सागर से जो पैदा होगा सागर होगा, वो बुलबुला होगा, मिट्टी से जो पैदा होगा पृथ्वी से वो ढेला होगा। पृथ्वी व्यापक विशाल, मिट्टी इतनी, ढेला इतना, पैदा होगा तो पैदा ही ना हो तो फिर वही होगा। तो यदि तुम पैदा हुए हो तो तुम फिर सीमित हो, काल से सीमित हो, देश में सीमित हो। लहर पैदा होगी तो काल से सीमित, थोड़ी देर पहले नहीं थी, थोड़ी देर बाद नहीं रहेगी, थोड़े समय रहेगी, इसका नाम लहर। सागर लहर के पहले था, लहर के बाद रहेगा, ये काल की दृष्टि से। और देश की दृष्टि से लहर यहां है वहां है, और पानी यहां भी है वहां भी है, इसलिए पानी व्यापक है, लहर सीमित है। देश की दृष्टि से, जगह की दृष्टि से जल व्यापक और लहर सीमित। तो सृष्टि सीमित, देह सीमित, इंद्रियां सीमित। अच्छा देखो, और देखो, आप जागृत में देखो, आपकी इंद्रियां सब, आप सबके मालिक, पर आप सबके मालिक हो, पर देखने का काम आंख से करोगे कि कान से? जो नास्तिक हैं, जो प्रकृति के नियम को नहीं मानते, जो जबर झेली नास्तिक करते हैं, कई बार वेदांती भी जबर झेली करते हैं। जरा ध्यान दो, क्या आप इस नियम को तोड़ सकते हो? कान से देखने लग जाओ, नियम के गुलाम नहीं हो तुम प्रकृति के गुलाम नहीं हो। नहीं, हम तो हैं गुलाम प्रकृति। जब नहीं है बिल्कुल अलग विषय है, जब तक हम जीव भाव में हैं, देह में हैं, तो हमको देखने के लिए आंख का गुलाम होना पड़ता है, रूप के देखने के लिए, सुनने के लिए कान का, करने के लिए हाथ का, खाने के लिए मुख का। यूं तो आजकल डॉक्टर नाक से भी खिला देते हैं, रबड़ से खिला देते हैं, इंजेक्शन से खिला देते हैं, वो तो अलग है, ये तो बीमारों की बात है।
स्वस्थ आदमी मुख से खाता है। अब वैसे तो जब नीचे का काम भी गड़बड़ होता है तो रबड़ से निकालते रहते हैं, इसलिए समुदायों ही अर्थमान एक देशी अनर्थ का उदाहरण के लिए एक आद का नहीं पूरे एक सृष्टि का दिया जाता है। इसलिए देखने की जगह सीमित, देखने वाला व्यापक, सुनने की जगह सीमित, देखने वाला व्यापक, और बताएं देह को जानने की जगह सीमित, देह को जानने के लिए ब्रह्म बुद्धि द्वारा देखता है, अंतःकरण द्वारा देह को मिलता है। ब्रह्म सब जगह रहता है, देह से मिला भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग होने का प्रश्न ही नहीं। ब्रह्म से भिन्न जगत कभी नहीं रहा, ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति है। ब्रह्म से भिन्न जगत नहीं, न देह न पेड़ न पहाड़, भिन्न किससे है? बुद्धि द्वारा जो देह मिलता है, ये बुद्धि द्वारा देह से अलग भी होता है। जागृत में देह से मिलता है कौन? जीव। सुसुप्ति में देह छोड़ता है। ब्रह्म किसी को छोड़ नहीं सकता, इसलिए ब्रह्म का परिचय होते ही, और तुम देह नहीं हो, देहाभिमानी हो, और तुम देहाभिमानी भी क्यों हो ये भी समझो, तुम जीवाभिमानी हो, और जीव तुम क्यों हो ये भी समझना है, जीव तुम क्यों हो, और इतने दिनों से लगातार जीव क्यों रहे, जन्मों जन्मों से जीव क्यों बने रहे, क्यों देह में आते रहे? क्योंकि तुम्हारा जैसा विज्ञान है, तुम स्वप्न में संसार क्यों देखते हो, तुम स्वप्न में व्यक्ति क्यों देखते हो? क्योंकि ये अनुभव तुम्हारे लिए सच्चा है, ये सच्चा है इसलिए स्वप्न में भी उसे सच्चा समझते हो। गंभीरता से देखना है ये जगत की जो सत्यता तुम्हें लगती है, यही बंधन है, यही जन्म का कारण है। और इसमें सत्यता का कारण जीव भाव में सत्यता ब्रह्म के विज्ञान की कमी से है। आत्मा का ब्रह्म रूप से विज्ञान न होने से हमारा वैयक्तिक जीवन, जैविक जीवन, दैहिक जीवन की परंपरा चलती चली आ रही अनादिकाल से, ये शुरू से, आज से नहीं, कल से नहीं, चली आ रही है, और चली जाने के लिए अंत नहीं है, चली जा सकती है, पर तुम चाहो तो बंद कर दो। इसीलिए मैंने आज अभी शुरू किया कि तुम्हारे यहां धान कब से हो रहे हैं? 10 साल से, 20 साल से, नहीं 100 साल से चलते आए। तुम धान ही बोते हो, धान से ही धान होते हैं। दिल्ली में तो चावल बोते हैं, नहीं बोते, चावल बोया ही नहीं जा सकता, चावल उगाया ही नहीं जा सकता, कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जो चावल बोए। ब्रह्म को उगाया नहीं जा सकता, हाँ ब्रह्म नहीं जन्म ले सकता, ब्रह्म को जन्मने का उपाय नहीं है। जीव जन्मता आ रहा है, अजीव कब तक रहा? जब तक चैतन्य और चिदाभास की जड़ चेतन की ग्रंथि, अंतःकरण, वृत्ति, अहंकार और चैतन्य इकट्ठे हैं, एकात्मता है। अज्ञान के कारण चैतन्य में और अहंकार में एकात्मता है। ये अहंकार पैदा होता है, इसका नाम अंकुर है, और अहंकार जब वापस लीन होता है, इसका नाम बीज है। मैं हूं का ख्याल चाहे महाप्रलय में चाहे नींद में, मैं हूं का अंकुर जहां वापस बीज में समा जाता है, वो बीज है।
जहाँ अंकुर, तो अव्याकृत माया बीज है, सुषुप्ति बीज है, अज्ञान बीज है, जहाँ मैं हूं का भी भान और ये मैं हूं का अंकुर निकला, चैतन्य इसके साथ है, ये मिल करके मैं हूं मैं हूं। अकेला अहंकार न तो हो सकता है, न दिख सकता है, न उसमें कुछ है। जैसे अकेला बर्तन, मिट्टी का अकेला बर्तन, कल की सभा में अकेला बर्तन लाना, उसमें मिट्टी नहीं आने देना, सबको एक एक रुपया देंगे, ठीक है, मांग लेंगे स्वामी परमात्मा नंद जी से, वैसे देंगे नहीं, बड़े कंजूस हैं, पर मांग लेंगे, भिखारी को क्या, और तुम्हारे देने के लिए भीख मांग कर भीख दे, तीनों लोग जीत ले। लेकिन शर्त एक है, हमने भी ऐसे ही नहीं शर्त लगाई, हम भी बड़े कंजूस हैं कि देना ना पड़े। तुलसीदास ने एक जगह शर्त लगा दी, वो कहते हैं ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। लगता है बहुत विनम्र है, चेला बनने को तैयार हैं, पर कहीं गहरे में तुलसीदास कहते हैं बेचा मैं कभी चेला नहीं बनूंगा, गुरु हूं गुरु। इसलिए कहते हैं चुनौती कर दी। हम भी कहते हैं अहम वृत्ति के बिना अपनी परिच्छिन्नता बता दो, अहम वृत्ति के बिना तुम बता दो सीमित हो, इस अहम वृत्ति में ही परिच्छिन्नता, पर इसी अहम वृत्ति में अपरिच्छिन्न विद्यमान है, इसी सीमित में, मिट्टी के छोटे से बर्तन में असीम मिट्टी, एक लहर में असीम जल विद्यमान है, जो जन्म से मृत्यु से रहित है, तो ना तो समय में सीमित है, समय सीमित में, समय की सीमितता में जो रहता है वो असीम रहता है। पैदा हुई लहर में जो थोड़ी देर रहेगी, इसमें कौन सा जल रहता है जो थोड़ी देर रहने वाला है, रहने वाला उसमें वो है जो सदा रहता है, किसमें, जो क्षण भर रहती है उसमें रहने वाला रहता है। पर गड़बड़ क्या है, न रहने वाली और रहने वाले जल की एकात्मता के कारण रहने वाला न रहने वाला बनकर मरने लगा, और न रहने वाली लहर है करके दिखने लग गई। ये है पना लहर का है पना लहर का है कि पानी का, अब पानी इतना ही है क्या, ये मैं पना ब्रह्म का है, पर अहंकार ने अपने में ले लिया, ब्रह्म का है पना मैं पना अहंकार ने ले लिया, और अहंकार का सीमित पना चैतन्य ने अपनी छाती में लाद लिया, इसलिए ब्रह्म परिच्छिन्न और परिच्छिन्न ब्रह्म बन के सत्य बन के बैठ गया, जो है नहीं सो है करके, जो मैं नहीं वो है लग रहा है हूं, और जो है वो बेचारा दबा है वहां, मेरी ब्रह्मता को अहंकार ने दबा लिया, इसलिए खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए, खुद ही को मिला जब अजा देखो सफा को मिला जब सफा हो गया मैं, खुद ही मिट गई खुद, खुदा हो गया मैं। जब ये देहाभिमान परिच्छिन्नता का ख्याल मिटा, तो मुझे ब्रह्म होना नहीं पड़ा। ये क्यों हो गया मैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं। ये परिच्छिन्नता का प्रवाह, परिच्छिन्नता का प्रवाह रोज, चलो अभी तुम हजारों साल पहले छोड़ो, हजारों साल बाद देखो, अभी ये 50-40 सालों में रोज मैं आती है, रोज की बनी रहती,
रोज मैं पैदा होती है, खोदे रहती है, खो जाती है, खो नहीं जाती, वो बीज रूप से अज्ञान में समा जाती है, फिर अंकुर निकलता है। ये अंकुर क्यों मैं का सत्य लगता है, ये मैं का अंकुर सत्य लगता है, मैं को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मैनू मार, मैं को मार दे। कैसे मार, डंडे से हत्या करके नहीं, मैनू जान, मैं को जान क्या सच है। तो झूठ तो देखने से मर जाता है, झूठ को रस्सी के सांप को रोशनी से देखो ठीक से, अपने आप मर जाएगा, ना डंडा मारना पड़ेगा। हाँ, मारना नहीं पड़ेगा, मारने से मरे तो हत्या लगेगी, आप पर केस बनेगा, रोशनी से देखो मर जाए हम क्या करें। इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में देखो मैं क्या है, तो मैं नाम की कोई वस्तु नहीं, फिर तू नाम की, वह नाम की वस्तु नहीं, एक सत्य है जो सब में समाया है, उसी से मैं जीवित, उसी से तुम, उसी से वह, यह वह मैं जो मालूम पड़ते हैं एक ब्रह्म की सत्यता से। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्ययु, ये सब माया जड़, और जड़ माया नहीं, ये चैतन्य माया, जड़ माया तो दिख रही है, और मैं चैतन्य माया, ये जो मैं है ना, ये सीमित माया है, असीम ब्रह्म है, जो काल से सीमित माया, जो देश में सीमित माया, और माया दो है, कार्य माया कारण माया, अहंकार सहित संपूर्ण सृष्टि, जैसे अविद्या एक, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये चार कार्य हैं, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये कार्य हैं, और अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जहां मालूम नहीं पड़ते वो कारण माया है, वो गहरी नींद कारण माया है। कारण में पता ही, माया के जो धर्म सुख दुख आदि हैं, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, और इनसे होने वाले अभिनिवेश से भय क्रोध काम सब समाप्त होते हैं। कोई गहरी नींद में कामी नहीं रह सकता, क्रोधी नहीं रह सकता, लोभी नहीं रह सकता, भयभीत नहीं रह सकता। चार चीजें चली जाएंगी, चार कारण में, क्योंकि अस्मिता पैदा होती है, तो अस्मिता पैदा होती है, राग द्वेष पैदा होते हैं, आपको रोज राग द्वेष पैदा होते हैं, रोज मैं पैदा होती है, रोज देहाभिमान मेरा है पैदा होता है, और इतना पैदा हो जाए तो बाकी कोई दुख बचता नहीं जो ना हो, मृत्यु इसके बाद होती है, भय इसके बाद होता है, चिंता इसके बाद होती है, सारी समस्या चार ही, इसलिए अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश, ग्रंथों ने पांच क्लेश कहे हैं, पांच दुख, चार दुख मालूम पड़ते हैं किसी किसी को, अविद्या के बाद अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये चार क्लेश समझदारों को मालूम होते हैं, और चार के बाद जो मर जाना, दुख, चिंता, भय, ये क्लेश महामूर्खों को भी मालूम होते हैं, ध्यान रखना, चार क्लेश हैं, ये किसी किसी को मालूम होते हैं, मर जाना, हानि लाभ, मेरा तेरा, रोना धोना, ये कष्ट सबको मालूम होते हैं। जैसे एलोपैथी वाले कष्ट का इलाज करते हैं, कष्ट का कारण रोग इलाज नहीं करते, नेचुरोपैथी रोग के कारण का, रोग का इलाज करती है, रोग के कार्य का नहीं। आम लोग चाहते हैं दुख मिट जाए, अज्ञान अविद्या अस्मिता राग द्वेष बना रह जाए, ममता बनी रह जाए, ये मेरा है बना रहे, पर मेरे लड़के के मरने का मुझे दुख ना रहे,
मैं देहाभिमानी बना रहूं और मृत्यु दुख से छूट जाऊं, अर्थात रोग न जाए दर्द चला जाए। जैसे एलोपैथी रोग का इलाज नहीं, रोग की सूचनाओं का इलाज करती है, ऐसे ही आम आदमी भय चाहता है ना हो, दुख चाहता है ना हो, चिंता चाहता है ना हो। पर चिंता होती क्यों है? उनके चार कारण हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और चार का कारण कौन है? अविद्या। चार का जन्म, अस्मिता का जन्म अविद्या से हुआ है। अविद्या चली जाएगी तो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जाएंगे। देह अभी नहीं जाएगा, दर्द अभी नहीं जाएगा। नेचुरोपैथी के लिए जल्दी नहीं करना चाहिए, पहले कारण जाएगा, कार्य बाद में जाएगा। ये शरीर मरना बाद में जाएगा, पहले अज्ञान जाएगा, फिर अहंकार जाएगा, और फिर राग, द्वेष, अभिनिवेश जाएगा। फिर ये जब चले जाएंगे तो शरीर जाने के बाद दोबारा शरीर नहीं आएगा। ये है वेदांत की सोच। तुम चाहते हो अभी चले जाएं बुढ़ापा, अभी चली जाए घर वालों की मौत, नहीं जाएगी, ये मरेंगे, इनको नहीं बचा सकते। पर इनका अभिमान अभी कम हो सकता है, और इनके साथ तादात्म्य का कारण अविद्या है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटहिं अपारा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। इसलिए मैं कौन हूं इसकी सही सही पहचान करनी चाहिए। बीच में मैं जब संसार का चित्रण कर रहा था तो कहा था कि याज्ञवल्क के दो पत्नियां थी, मिश्रा जी ने लिख के भेज दिया है, इनको बहुत याद रहता है, मैं तो भूल जाता। मैं जब प्रवचन देता हूं ना, नदी जब बहती है ना तो प्रयागराज जाके कानपुर को भूल जाती है, ठीक है, गंगोत्री को गंगा भूल गई, वो जहां जाती है चलती जाती। हम बहते हैं, हम क्या छूटता है क्या आता है हमको परवाह नहीं होती। इनको याद रहेगा होगा कि क्या कहना चाहते। इतने ही कहना चाहता हूं कि पत्नी को कहा था तुम ये आधा आधा ले लो, तुम रहो, मैं साधु बनता हूं। तो कात्यायनी राजी हुई, मैत्रेयी राजी नहीं हुई। उनका तुम क्यों साधु बनते हो, तुम क्यों घर छोड़ते हो? कहने मुक्ति के लिए। तो कहने लगे हम भी मुक्ति चाहते हैं, धन से मुक्ति मिलेगी? कह नहीं मिलेगी, धन से सुविधाएं मिलेंगी, मुक्ति तो ज्ञान से ही मिलेगी, और मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए यदि घर छोड़ना पड़े, या ज्ञान होते हुए यदि परिवार की मोह ममता थोड़ी रहे, एक आध जने कहते हैं मैं साधु नहीं होना, घर ही में रहेंगे। याज्ञवल्क ने घर छोड़ा था, बुद्धू नहीं थे। अब कोई कहे फलाने ने घर छोड़ा, उसका क्या बना? तो जो ने घर नहीं छोड़ना वो उन्हीं की ओर देखते हैं जिन्होंने घर छोड़ के साधु ठीक नहीं बने। पर उनकी तरफ देखो जिनके पास कोई कमी नहीं थी, उन्होंने घर छोड़ा। क्यों? घर रहोगे तो थोड़ा बहुत ममता परिवार से रहेगी और वो दुख देती रहेगी। इसलिए ज्ञान अज्ञान की, अस्मिता की जड़ तो अविद्या के जाने से जाएगी, क्योंकि अविद्या अस्मिता क्रम है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। बीज से अंकुर निकलता है और बीज बच जाता है, चार रोज खत्म होते हैं। तुम नहीं समझते, काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म हो जाते हैं रोज, और मैं मेरा भी रोज खत्म होता है। पर मैं मेरे का, राग द्वेष का, काम क्रोध का, देहाभिमान का जो बीज है अज्ञान, वो कभी नष्ट नहीं हुआ। वो जब नष्ट होगा, एक बार नष्ट होगा, और जिसका नष्ट हो जाएगा दोबारा पैदा नहीं होगा। अविद्या बार बार नष्ट नहीं होती। ऐसे तो अहंकार रोज नहीं चला जाता। एक आदमी ढूंढ लाओ जो कहता मेरा अहंकार नहीं जाता, मैं कहूंगा नींद में था,
कार्य अहंकार गया, अहंकार का कारण नहीं गया, क्रोध गया, क्रोध का कारण नहीं गया, मृत्यु का ख्याल गया, मृत्यु के ख्याल का कारण देह आत्म भाव भी उतनी देर नहीं रहा, पर इनमें पुनः देह भाव जगाने वाली अज्ञानता तो बनी है या अहंकार में सीमितता। अहंकार पैदा होगा, सीमितता खड़ी होगी। इस सीमितता की भ्रांति कौन पैदा करता है? अज्ञान। नहीं तो अहंकार होने पर मैं सीमित कहां? लहर होने पर पानी सीमित हो जाता है, घड़ा होने पर मिट्टी सीमित हो जाती है, तो अहंकार होने पर भी आत्मा सीमित नहीं होती। जब ज्ञान होगा, अहंकार तो असीम होता ही नहीं, वो तो फिर रहेगा, फिर पैदा होगा बुलबुला, लेकिन पानी असीम है, असीम ही रहेगा। ये बोध जो है परिच्छिन्नता के अहंकार को झूठा कर देता है। नींद मृत्यु अहंकार को झूठा नहीं करती, वो समेट कर मिला देती है, पर ब्रह्मज्ञान अहंकार को झूठा कर देता है। और अहंकार के झूठा होते राग द्वेष मेरा तेरा बनाने वाला मैं ही झूठा हो गया, तब मेरा कौन बनाएगा, मेरा कैसे सच्चा? जब नींद खुली सपने का मेरा देह झूठा, तो बाकी सब झूठे हो गए स्वप्न का बाजार। इसलिए अज्ञान के जाते ही मैं हूं का अहंकार जाता है, मैं के अहंकार जाते ही मैं के अहंकार के मिथ्या होते ही, जाते का मतलब फिर नहीं आना चाहिए। यदि लहर फिर पैदा हो जाए तो पानी सीमित हो गया। पानी सीमित कब मानता था? जब तक पानी को अपनी व्यापकता का बोध नहीं था तो उससे आइडेंटिटी करता था कि मैं ऐसा हूं। देह और अहंकार में अस्मिता पैदा कराने वाला अज्ञान है, अविद्या है, लोग समझते नहीं। कई लोग कहते हमारा अहंकार नहीं जाता, मैंने कहा ऐसे तो मेरा भी नहीं गया। हाँ, फिर समझो, रोज जगता नहीं, ये मैं खड़ा नहीं होता, रोटी तेरे मुंह में डालता हूं, इस मुंह में नहीं डालता। व्यवहार सिद्धि के लिए देखो, नकली सांप हाँ, या कनफटे का सांप, जहर निकाला सांप, कनफटे की जीविका है, जीवन को खतरा नहीं, जीवन को खतरा नहीं, जीविका चलाने में मदद करता है। ज्ञानी का अहंकार जीवन चलाने में, व्यवहार चलाने में मदद करता है, खतरा पैदा नहीं करता। इसलिए ब्रह्मज्ञानी का अहंकार रस्सी का सांप है, ब्रह्मज्ञानी का अहंकार जहर निकाला सांप है, ब्रह्मज्ञानी का सांप बनावटी नकली बाजार में बिकने वाले सांप की तरह है। लोग भले डर जाएं, लोग देखेंगे अरे साधु को भी अहंकार है। हाँ, लोग देखने वाले दिखाई देने वाले सांप से डरते हैं, जो नहीं डरता हो कल हम वो भी ले आएंगे बाजार से, एक बीच में फेंकेंगे, सभा गायब। इसलिए नकली चीज से भी डर लग जाता है, क्योंकि नकली तुम्हें असली लग जाता है। जिस दिन नकली नकली लगने लग जाए, अहंकार ममता मैं और मेरा सब नकली है, मैं और मोर तोड़ते हैं माया, ये सब माया मात्र है, माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता, उस अद्वैत को जान लेने के बाद व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। अधिक देर तक नहीं कहते, धन से अमृत की प्राप्ति नहीं होती, पद से अमृत की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन पद अमृत प्राप्ति में बाधा भी नहीं है, धन अमृत प्राप्ति में बाधा भी नहीं है। नहीं कोई धनी आत्मज्ञ नहीं होता, कोई राजा आत्मज्ञ नहीं होता। असल में ये तुम्हारी मूढ़ता, इसके जो पकड़ है, इसी को जो सार समझ लिया, उसके कारण बाधा बन गई। नहीं स्त्री बाधा नहीं, पुत्र बाधा नहीं, देह बाधा नहीं। देखो मैं मानकर बचा रहा हूं, सुनने नहीं चाहते वेदांत, इसी बचाने में लगे पड़े हो, और बचाते 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 क्या होगा, बचा लोगे? लो, इतनी मेहनत करोगे अंत में फेल, जिंदगी भर मेहनत करके सफल नहीं होगे। और ये सारी मेहनत
करो या ना करो, एक बार सच्ची मेहनत ब्रह्म ज्ञान में करो, क्योंकि बहु ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं। हो जाओगे, तुम्हारी तरह हमारे शरीर है, वैसे ही इंद्रियां हैं, सुबह जगता तुम्हारी तरह हो, तुम्हारी तरह नहीं जगता ना, तुम्हारी तरह नहीं सोता, पर तुम्हारी तरह जग के समझ 100% तुम्हारी जैसी नहीं है। तुम सीमित हो, हम असीम हैं। राम के शरीर, कृष्ण के शरीर, कृष्ण जगते हैं, पर कृष्ण असीम है, ब्रह्म है। ऐसे ही तुम भी जग के कभी देखो मैं कौन हूं, इस अहंकार से, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मिति मन्यते, इसी अहंकार देह को मैं मानकर मैं सीमित हूँ, मैं करता हूँ, ये मेरा है, ये बंधन है, फलाना है, ये बंधन में पड़ने वाला अहंकार करता ये माया मात्र है, चैतन्य तत्व कर्ता भोक्ता ब्रह्म है, इसको पहचानने की कोशिश करो। रोज कोशिश करोगे तो समझ आएगा। अपन जगते हैं तो खाते ही हैं और सब काम करते हैं, पर जगते ही हम कौन हैं? इसलिए प्रातः सुबह जब नींद खुले पहले क्या होना चाहिए, आदमी होना चाहिए कि ब्रह्म? नींद खुलते ही कोई धन में, पद में, पुत्र में, दुनिया में, एक मिनट नहीं कि नींद खुली है थोड़ी देर, जहाँ से अभी अभी चेतन आई उस सत्य का विचार करें, हम कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, कितनी देर यहाँ रहेंगे। आते ही विचार कर लो, जितनी देर रहना रहो, पर जहाँ से आए हो वहाँ जाने वाली चेतना का ख्याल करो। इसलिए ब्रह्म चेतना, आत्म चेतना, हाँ ब्राह्मी भाव यदि जग जाए, प्रातःकाल एक बार याद कर लो, दिन भर काम करो। दिन भर में तुम कितने बार स्नान करते हो? बस एक बार स्नान कर लेते हो, एक बार न करो, ये नहाता नहीं, फलाना नहीं, तो हम भी तुम्हें कुटते हैं। एक बार तो तुम ब्रह्म ज्ञान में गोते लगा लिया करो, फिर दिन भर कामकाज किया करो। एक बार यदि ब्रह्म में गोता लगा लोगे तो दिन भर के लिए पवित्र ताजे होकर सब काम करोगे। अब बहुत करो तो दो बार कर लो, जब दिन भर काम करके आए हो ना, एक बार फिर गोता लगा लो। देह भाव छोड़कर, दुकान धंधे की कल्पना छोड़कर, दिन भर में अच्छा बुरा हो गया है उसका कर्म छोड़कर नित्य शुद्ध मुक्त आत्म तत्व का विचार कर लिया करो। यदि तुम कर्ता बने रहे, देह बने रहे, तो यदि देह मैं भी बना रहूं तो मैं तुम्हारी तरह ही बूढ़ा होकर करूंगा, यदि इंद्रियां ही मैं बना रहूं तो थोड़ा बहुत गड़बड़ यहाँ भी होती है, मन ही बना रहूं तो काम क्रोध लोभ चाहे वो मन में ही आते हैं, कार्यान्वित नहीं होते आते हैं, इसलिए ज्यादा इनकी पकड़ में न रहकर धर्म जीवन जीते हुए आत्मा का चिंतन करोगे तो मुक्त हो जाओगे। ओम शांति शांति शांति। भगवान की।